बॉलीवुड और हॉलीवुड के दो मोस्ट पावरफुल एक्टर, यानी कि एक तरफ है अपने एक्शन, अपने स्टंट और अपने टैलेंट से वर्ल्ड वाइड इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्शल आर्टिस्ट में वर्ल्ड वाइड इनकी रैंकिंग 6th पोजीशन पर आती है और इनके जैसा हीरो पूरे के पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं, यानी कि विदु जामवाल। और दोस्तों दूसरी तरफ अभी के जमाने में WWE पर राज करने वाले सुपरमैन पंच और अपने स्पीयर से सबके छक्के छुड़ा देने वाले सुपरमैन पंच से जाने जाने वाले रोमन रिंग्स, इन दो ताबड़तोड़ हीरोज की एक्शन भरी फाइट होने वाली है आज के वीडियो में। और पता करने वाले हैं जब भी बात आती है एक्शन, बॉडी बिल्डिंग, स्टंट, इन तीनों फील्ड में कौन है नंबर वन, कौन है बेहतर, यानी कि आपको देखना है ये वीडियो पूरा का पूरा और वोट करना है आपके फेवरेट एक्टर को कमेंट बॉक्स में। अगर विदु जामवाल को जिताना चाहते हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें विदु जामवाल, और अगर रोमन रिंग्स को जिताना चाहते हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें रोमन रिंग्स। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन को दबाएं, अपने फेवरेट हीरोज को जिताएं। तो चलिए धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दवा करके। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं उम्र की, जहां पर विदु जामवाल की उम्र है 39 इयर्स एंड रोमन रिंग्स की एज है 35 इयर्स। अब बात करने वाले हैं हाइट की, जहां पर विदु जामवाल की हाइट है 5 feet 11 inch एंड रोमन रिंग्स की हाइट है 6 feet 3 inch। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं वेट के बारे में, जहां पर विदु जामवाल की वेट है 75 kilograms एंड रोमन रिंग्स की वेट है 120 kilograms। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं रियल नेम ऑफ आवर फेवरेट स्टार, जहां पर विदु सर का असली नाम है विदु जामवाल। ये बिलोंग करते हैं जम्मू और कश्मीर से, रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड इंडिया को। दूसरी तरफ रोमन रिंग्स का असली नाम है लेथी जोसेफ अनोई और ये बिलोंग करते हैं फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और अब बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोफेशन के बारे में, जहां पर विदु जामवाल है एक्टर, बॉडी बिल्डर, मार्शल आर्टिस्ट, धमाकेदार स्टंटमैन, जिम ट्रेनर, इंस्पायरिंग कैरेक्टर एंड एक आइडल मॉडल। और दोस्तों दूसरी तरफ है रोमन रिंग्स, दमदार रेसलर, बेहतरीन एक्टर, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर, स्टंटमैन, बॉडी बिल्डर, ऑसम मॉडल और एक वॉइस एक्टर, यानी दोनों के दोनों धमाकेदार स्टार हैं, सुपर डुपर मल्टी टैलेंटेड स्टार। और अब बात करने वाले हैं दोस्तों डेब्यू मूवीज ऑफ आवर फेवरेट स्टार, जहां पर विदु जामवाल ने 2013 में आई कमांडो मूवी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दूसरी तरफ रोमन रिंग्स की पहली मूवी 2019 में आई फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हॉब एंड सॉ मूवी से हॉलीवुड में डेब्यू किए। और दोस्तों टोटल मूवीज की बात करें, जहां पर विदु जामवाल ने अब तक 12 फिल्मों में काम कर चुके हैं और दूसरी तरफ रोमन रिंग्स एटलीस्ट 5 मूवीज में काम कर चुके हैं। उनमें से बात कर दोस्तों फ्लॉप मूवीज की, जहां पर विदु जामवाल की 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, रोमन रिंग्स की एक भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं रही। बात करें हिट मूवीज की, विदु जामवाल की 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, रोमन रिंग्स की 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बात करें सुपर हिट मूवीज की, विदु जामवाल की 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही एंड रोमन रिंग्स की 1 मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। बात करें दोस्तों ब्लॉकबस्टर मूवीज की, जहां पर विदु जामवाल की 1 मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, दूसरी तरफ रोमन रिंग्स की भी 1 मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित रही। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं सैलरी पर मूवी ऑफ आवर हीरोज, जहां पर विदु जामवाल एक फिल्म में काम करने के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, दूसरी तरफ रोमन रिंग्स एक फिल्म बनाने के लिए हॉलीवुड में एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज चार्ज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं नेटवर्थ के बारे में, जहां पर विदु जामवाल के नेटवर्थ है $10 million एंड रोमन रिंग्स की नेटवर्थ है $12 million। और बात करें दोस्तों फिल्मफेयर अवार्ड्स की, जहां पर विदु जामवाल ने 1 फिल्मफेयर अवार्ड्स,
प्लस 10 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और दूसरी तरफ रोमन रिंग्स मोर देन 3 अवार्ड्स इन रेसलिंग और 5 अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जीतने में कामयाब रह चुके हैं। और दोस्तों अब कंपेयर करने वाले हैं एक्शन इन मूवीज, जहां पर विदु जामवाल की हर एक मूवी में धमाकेदार एक्शन भरा पड़ा रहता है, क्योंकि वो है बॉलीवुड के नंबर 1 एक्शन हीरो। जैसा कि अभी हाल ही में आई कमांडो 3 या फिर कहें खुदा हाफिज में हम सब देख ही चुके हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ रोमन रिंग्स किसी से कम नहीं, जहां पर उनकी हाल ही में आई फास्ट एंड फ्यूरियस में हम लोगों ने धमाकेदार स्पीयर वाला एक्शन हम सभी ने देखा, यानी दोनों के दोनों धमाकेदार हीरो है एक्शन में एक से बढ़कर एक। अब बात करने वाले दोस्तों बॉडी बिल्डिंग के बारे में। जैसा कि विदु जामवाल की बॉडी है धमाकेदार और विदु जामवाल से हर हफ्ते अपने यूट्यूब चैनल पर बॉडी बिल्डिंग टिप्स और साथ ही साथ कलरीपयट्टू 2 के धमाकेदार स्टंट्स भी करते नजर आते रहते हैं। दूसरी तरफ रोमन रिंग्स किसी से कम नहीं, वो है धमाकेदार रेसलर जो अपने स्टील बॉडी के अवतार में नजर आते हैं और रेसलिंग में बड़े बड़े रेसलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं अपने स्पीयर और सुपरमैन पंच से। साथ ही साथ दोस्तों बात करें स्टंट की, जहां पर विदु जामवाल सर अपने यूट्यूब चैनल और अपने फिल्मों में धमाकेदार स्टंट करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ रोमन रिंग्स रेसलिंग में इम्पॉसिबल स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। यानी कि बॉडी बिल्डिंग स्टंट और एक्शन में दोनों के दोनों हीरो हैं एक से बढ़कर एक, यानी कि मुकाबला है एकदम कड़ा। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग्स के बारे में, जहां पर विदु जामवाल के पूरे दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा फैन फॉलोअर्स पूरे दुनिया भर में मौजूद हैं और दूसरी तरफ रोमन रिंग्स के पूरे दुनिया भर में 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ से भी ज्यादा फैन फॉलोअर्स मौजूद हैं और ये आंकड़ा दिन ब दिन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अब आपके बारे विदु जामवाल को जिताना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। विदु जामवाल रोमन रिंग्स को जिताना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें रोमन रिंग्स। इसी तरीके से दिलचस्प और एक्शन भरी वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बगल वाले बेल आइकन में ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम लाते रहते हैं। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यू ब्रांड टेलीग्राम चैनल को, टॉप 10 फैक्ट, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय।